तो दोस्तों, आप सभी जानते हो कि इस समय भारत का एक बहुत ही करीबी मित्र इजराइल युद्ध की स्थिति से गुजर रहा है और इजराइल की तरफ से हमास के आतंकवादी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करी जा रही है और भारत अपने मित्र इजराइल के इस संकट के समय में हमेशा ही इजराइल के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ा हुआ है। परंतु इसी युद्ध के बीच में अचानक से भारत के एक और दोस्त रशिया ने भारत से मदद मांगी है। दरअसल आप सभी को पता है कि 2022 से पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगने के बाद रशिया के अंदर जो कच्चा तेल है वो भरपूर मात्रा में हुआ और भारत ने इसको खरीदा, जिससे भारत और रशिया का व्यापार $50 बिलियन को भी क्रॉस कर चुका है। अब इसके कारण हो क्या रहा है कि भारत को इस व्यापार में व्यापार घाटा काफी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हम रशिया से तो बहुत सारा माल लेते हैं परंतु रशिया भारत से नाम मात्र का माल खरीदता है और इस समय प्राथमिक उपभोक्ता की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे खाने पीने की चीजें और लोगों की आम दैनिक दिनचर्या में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, उनकी रशिया में भयंकर कमी आ गई है और इसलिए रशिया का भारत से कहना है कि यह जो सारी चीजें हैं जिन पर आगे चलकर पश्चिमी देश प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो इन सारी चीजों को भारत हमें एक्सपोर्ट करे। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी आर्टिकल भी देख सकते हो जिसमें यह जानकारी दी गई है कि रशिया भारत से प्राथमिक उपभोक्ताओं के लिए उपयोग में आने वाली खाने पीने की चीजों से लेकर आम दिनचर्या में उपयोग होने वाली सारी चीजें इंपोर्ट करना चाहता है और इसको लेकर भारत ने भारतीय निर्यातकों के द्वारा एक लिस्ट भी रशिया को सौंप दी है और जल्दी यह डील हो जाएगी।